नमस्कार, मैं बॉबी झा, MLS न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ATM कार्ड ब्लॉक होने का झांसा देकर 10,000 रुपए की चपत। बैंकों के बार बार चेतावनी देने के बाद भी नागरिक खा रहे थे धोखा। नागपुर प्रताप नगर थानांतर्गत ATM कार्ड धारक महिला को अज्ञात आरोपी ने बैंक मैनेजर बनकर झांसा दिया और करीब 10,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस के अनुसार गोपाल नगर प्रताप नगर निवासी अश्विन सुरेश कामढे ने प्रताप नगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 9 नवंबर 2018 को जब दोपहर में वह घर पर अकेली थी तब उनके मोबाइल फोन पर एक अपरिचित व्यक्ति ने फोन किया। फोन करने वाले अज्ञात आरोपी ने अश्विनी से कहा कि वह इलाहाबाद बैंक का मैनेजर बात कर रहा है। अश्विनी से उसने कहा कि तुम्हारा ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है। उसने अश्विनी को झांसा देकर उससे बैंक संबंधी जरूरी जानकारी हासिल कर लिया। उसके बाद अश्विनी के मोबाइल फोन पर आया OTP नंबर भी हासिल कर लिया। OTP नंबर मिलने के बाद आरोपी ने उसके बैंक खाते से करीब 10,000 रुपए निकाल लिए। यह बात पता चलने पर अश्विनी ने प्रताप नगर थाने में शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी हुई गर्भवती तो शक में पति ने घोटा गला। नागपुर पत्नी के 4 माह की गर्भवती होने के बाद पता चलने पर खुश होने के बजाय चक्की पति ने महिला का गला घोटकर हत्या कर दी। बाद में उसने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना मानकापुर थाना क्षेत्र की है। मृतक महिला का नाम दीपाली उर्फ रोशनी राउत है। मृतिका के पिता अशोक होरे की शिकायत पर मानकापुर पुलिस ने दीपाली के पति योगेश राउत मानवता नगर झिंगाबाई टाकली निवासी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था। उसे लगा था कि दीपाली की कोख में पल रहा संतान उसका नहीं है। पुलिस के अनुसार दीपाली राउत की दोनों रविवार को छुट्टी के दिन एक बार साथ पाली के गर्भपात होने की बात पता चलते ही योगेश ने उस बच्चे को पैदा नहीं करने की जिद पकड़ ली। वह 4 माह की गर्भवती थी। योगेश और दीपाली झिंगाबाई टाकली परिसर में किराए के कमरे में रहते थे। उसे शक था कि दीपाली का किसी से प्रेम संबंध है। इस पर विवाद हुआ तो उसने गला घोट दिया। वह शाम तक शव के पास बैठा रहा। जब उसे डर सताने लगा कि पुलिस पकड़ लेगी तब उसने जहरीली दवा खा ली। मकान मालिक के ध्यान में आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दोनों को पुलिस ने मेवा अस्पताल पहुंचाया। दीपाली को प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। योगेश का उपचार शुरू है। अमृतसर नागपुर एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़कियों के टूटे कांच, यात्रियों ने दहशत में किया सफर। अमृतसर से नागपुर आ रही अमृतसर नागपुर एक्सप्रेस पर बीच रास्ते में अज्ञात लोगों ने पथराव किया जिससे ट्रेन की खिड़कियों के कांच क्षतिग्रस्त हो गए। डरे सहमे यात्रियों ने इसकी जानकारी TT को दी। उसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। नागपुर में गाड़ी आने के बाद RPF ने गाड़ी को अटेंड कर यात्रियों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की और संबंधित थाने को भेजा गया। यह घटना भोपाल स्टेशन में गाड़ी रवाना होने के बाद हुई। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 22126 अमृतसर नागपुर SAC एक्सप्रेस अमृतसर से नागपुर के लिए अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई। ट्रेन में नागपुर के काफी संख्या में यात्री थे। गाड़ी भोपाल स्टेशन पर रात 10 बजे पहुंची थी। यहां कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी नागपुर के लिए आगे बढ़ी थी। करीब 1-2 किलोमीटर आगे आने के बाद गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। अचानक हो रहे पथराव से यात्री घबरा गए। यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले ही खिड़कियों के कांच टूटने लगे। ऐसी कोच होने से पत्थर ट्रेन और कांच पर लग रहे थे। इससे यात्रियों में खलबली मच गई। कुछ देर बाद पथराव बंद होने के बाद TT को यात्रियों ने घटना की जानकारी दी जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। गाड़ी भोपाल के बाद सीधा नागपुर स्टेशन पर सुबह 4 बजे पहुंचने के बाद नागपुर RPF ने पूरी ट्रेन को चेक किया जिसमें A1 व B4 के कोच के कांच टूटे हुए मिले। RPF ने यात्रियों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और रिपोर्ट तैयार की। घटना भोपाल RPF के क्षेत्र में होने से मामले की जानकारी भोपाल RPF को दे दी गई है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।